हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मन्नू क्रिएशंस। आज हम आपको आसन का डिजाइन बनाना सिखाएंगे। ये प्लास्टिक का बोरी है, ये चावल का बोरी है, इसमें ही हम डिजाइन बनाएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। ओके, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा दूर इधर से छोड़ेंगे और थोड़ा दूर इधर से छोड़ करके हम यहाँ से इसको बनाएंगे। तो यहाँ से हम आठ घर इस तरह से ले रहे हैं। ये आठ घर लिए हैं, ये जो उठाए हैं उसको हम आठ घर गिन करके इसको ले लिए हैं। अब इसके बगल वाला जो घर है यहाँ पे एक दो तीन चार, ये चार घर हम आठ घर इधर से हम लिए हैं। जितना आपको इधर से छोड़ना है आप दोनों साइड से छोड़ करके और आठ घर इधर से ले लीजिए और यहाँ से ऊपर चार घर लेकर के अब हम यहाँ से डिजाइन बनाएंगे। यहाँ पे ये चार घर है, इसके बगल में जो पांचवा वाला घर है यहाँ पे बीच में हम यहाँ पे सुई निकालेंगे। अब यहां से एक एक दो तीन, ये तीन घर हम ऊपर ले जाएंगे। इसके बाद हम इसके नीचे एक घर लेंगे और एक दो तीन चार, एक एक घर बढ़ते जाएगा, एक नीचे से बढ़ रहा है, एक ऊपर से, ये खुद पता चल रहा है। ये ऊपर वाला घर जो लिए थे इसके नीचे एक घर लिए हैं। पहले लिए तीन घर, उसके बाद चार घर, इसको हम निकाल लेंगे। इसके बाद फिर एक दो तीन चार पांच, चार घर, इसके बाद फिर पांच घर, एक घर बढ़ते चला जाएगा, दोनों साइड से बढ़ रहा है। इसके बाद यहाँ पे तीसरा लाइन एक दो तीन चार पाँच छः, एक एक घर करके बढ़ाते जाएंगे। यहाँ भी एक घर बढ़ेगा, एक दो तीन चार पाँच छः सात। इसके बाद यहाँ पर हम आठ घर लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, आठ घर ले लिए। अब यहाँ पे हम कम करेंगे और इधर ज्यादा बढ़ाते जाएंगे। यहाँ पे एक, यहाँ पे बढ़ा नीचे से ही लिए हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ये वाला जो घर है इसके नीचे ही लिए हैं, आठ घर ही रहेगा लेकिन नीचे बढ़ा दिए हैं और इधर घटा दिए हैं, तो आठ घर ही लेकर के इसको खींचेंगे। इधर फिर नीचे ऐसे ही आठ घर फिर लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, यहाँ पे एक नीचे आ गया और इधर नीचे इधर बढ़ गया इस तरीके से। इस तरह से हम छह लाइन बना लेंगे, आठ घर करके नीचे से बढ़ाते जाएंगे और ऊपर से घटाते जाएंगे, चार पाँच छ सात आठ।
इस तरह से हम 6 लाइन बना लिए हैं, 8 घर लेकर के नीचे से बढ़ा दिए और ऊपर से एक घर कम कर दिए। अब यहां से हम कम करेंगे, इधर हम बढ़ाते जा रहे थे, अब यहां से हम कम करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इधर से हम कम कर दिए, अब ऊपर हम बढ़ा दिए। इस तरह से अब 6 लाइन इधर से ले जाएंगे, इधर से हम 6 लाइन नीचे लाए, अब 6 लाइन इसको ऊपर ऐसे ले जाएंगे। यहां से फिर एक घर ऊपर लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये देखिए इधर एक ऊपर कर दिए, कम कर दिए और इधर बढ़ा दिए। इस तरीके से 6 लाइन कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम कम करेंगे, इधर हम कम करते ही ले जाएंगे, दोनों साइड से अब हम कम करेंगे, इधर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 3, 6, 7, 7 घर हो गया। इधर से भी कम कर दिए और इधर से भी कम कर दिए, अब इसको घटाते ही जाएंगे। ये देखिए ये 6 लाइन इधर बन गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाइन इधर से, 6 लाइन इधर से, अब इसको कम करते जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 3, 3, 6 घर। इसी तरीके से यहाँ पे 5 घर, यहाँ पे 4 घर, और ये 3 घर। अब हम इसको यहाँ पे नीचे ले जाएंगे सुई को। इस तरह से एक हट बन गया है, अब इसको इधर से हट बनाएंगे, तो यहां से स्टार्ट करेंगे। अब यहां से इसका जस्ट एक घर बगल से हम यहां से लेंगे, 1, 2, 3 ये 3 घर इस तरह से लेंगे। यहां पे हम एंड किए, यहां पर हम एंड किए और इसका जस्ट एक घर ऊपर से हम इधर 3 घर ले गए। अब हम यहां पे, यहां पर हम सुई निकालेंगे, इसको निकाल लेंगे, यहां से हम 3 घर ऊपर लेंगे, अब सेम जिस तरह से ये बनाए हैं उसी तरीके से ये भी बनते जाएगा। यहाँ पे 3 घर लिए हैं, अब इधर में एक घर इधर बढ़ाएंगे नीचे और एक घर ऊपर, ये 4 घर ले लिए, इस तरह से बढ़ाते जाएंगे। यहाँ पे 5 घर, एक घर बढ़ गया, ये 8 घर बन गया। अब 8 घर के बाद फिर नीचे से 8 घर ले जाएंगे, ये नीचे साइड में बढ़ेगा ही और ऊपर से घटते जाएगा। 8 घर ले लिए, इसी तरीके से 8 घर लेंगे, 6 लाइन बनाएंगे, 8 घर लेकर के ऊपर से नीचे से हम बढ़ाते जाएंगे और ऊपर से घटाते जाएंगे।
इस तरीके से 6 लाइन बना ली है। अब इसको ऊपर ले जाएंगे एक घर और इधर से एक घर कम करते जाएंगे। अब यहाँ पे हम धागा खत्म किए थे, यहीं पे हम वापस निकालेंगे इस धागा को। अब हम यहाँ पे लास्ट करेंगे। अब यहां से ये 3 घर इधर ले जाएंगे इस तरफ, और जैसे ही यहाँ पे हम निकालेंगे इसका जस्ट बगल वाला घर में इसको हम निकाल लेंगे। यहां से हम 3 घर ऊपर ले जाएंगे। फिर वही सेम प्रोसेस वैसे ही बनते जाएगा। इस तरह से एक फ्लावर ये बन गया है। अब इसको सीधा करेंगे और दूसरा फ्लावर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से 10 घर हम ऊपर लेंगे इसके सीधा, इसका जस्ट ऊपर वाला जो घर है इससे ऊपर हम 10 घर लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 घर हो गया। अब हम इसका बगल वाला में हम निकालेंगे। यहाँ पे हम निकालेंगे सुई को। अब यहां से उसी प्रोसेस में फिर से बनाना है। ये 3 घर हम ऊपर ले जाएंगे, फिर सेम जैसे हम इधर बनाते आए हैं वैसे ही बनते ही जाएगा। बहुत इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान देने दीजिएगा तो सब अच्छा से ही बन जाएगा।
इस तरह से ये वाला हर्ट भी बन गया है। अब जब दूसरा हर्ट स्टार्ट करेंगे तो इसका जहां पे हम खत्म करेंगे इसका एक घर यहाँ पर ऊपर से, यहाँ तीन घर हम इस साइड सीधा में ले जाएंगे और यहाँ पर, यहाँ पे हम निकालेंगे सुई। इसके बाद फिर हम उसी तरीके से बनाना स्टार्ट करेंगे। और आप ये जो पहला वाला जो बताए हैं फ्लावर, ये इस तरह से घुमा करके चारों तरफ से कैसे बनाना है वो आप ध्यान से अगर देखेंगे तो इसी तरीके से पूरा बनेगा। बस यहाँ पे ध्यान रखना, जब ये एक फ्लावर बन जाए तो दूसरा फ्लावर स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर ये, यहाँ पर 10 घर, यहाँ पे 10 घर छोड़ करके ये 11वां वाला से स्टार्ट करना है। बस इस तरीके से आप छोटा छोटा पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे तो आपका ये फ्लावर बहुत अच्छा से बन जाएगा। इस तरह से हम और ऊपर बना लेते हैं। इस तरह से देखिए ये लंबा हम इसी तरह से जितना बड़ा हम बनाएंगे वहां तक बना लेंगे। इसके बाद जब सेकेंड लाइन स्टार्ट करेंगे तो यहाँ भी उसी तरीके से करना है। यहाँ इसके सीधा में हम 10 घर ले जाएंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, यहाँ से ही इजी रहेगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से ये देखिए 10 घर हम उठा लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसका जस्ट जो बगल वाला घर है यहाँ पे, यहाँ पर हम इसको निकालेंगे। अब यहाँ से ये तीन घर ऊपर ले जाएंगे, फिर इसी तरह से जैसे ये एक हर्ट बना है उसी तरीके से फिर बनाना है। इस तरह से हम इतना थोड़ा सा में हम बना के बता रहे हैं। ये इस तरह से दो लाइन हम बनाए हैं, ज्यादा बड़ा में हम बनाए नहीं है। और यहाँ पे जो बड़ा वाला खाली जगह है इसमें भी हम इसी तरह से हर्ट बनाएंगे। और जब भी हम हर्ट बनाना स्टार्ट करेंगे तो वही यहाँ से जो तीन घर ऊपर ले जा करके हम जो बनाते हैं, यहाँ पे ये खत्म हुआ है, इसका एक घर इधर छोड़ करके, ये 1 2 3 यहाँ से स्टार्ट करेंगे, अपने आप सब बनते चला जाएगा। तो इसके बीच में यहाँ पर तो हम इस तरीके से ही बनाए हैं दूसरे कलर में, यहाँ पे हम बनाना बता रहे हैं, किसी एक में हम यहाँ पे बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम कहीं पे भी बीच में इस तरह से सुई निकाल लेंगे। इसके बाद यहाँ पे, यहाँ पर देखिए ये इसका एक घर यहाँ पे छोड़ करके यहाँ, यहाँ पर हम सुई इस तरह से निकालेंगे। इसके बाद एक बार इस साइड से, इसके बाद दूसरा लाइन बनाएंगे तो यहाँ पे दो घर उठाएंगे और सुई इधर से ही ले जाएंगे। यहाँ भी उसी तरीके से तीन लाइन बना लेंगे। यहाँ पे हम तीसरा लाइन बना लेंगे और एक ही डायरेक्शन से ले जाएंगे सुई को, तो इस यहाँ पे बीच में क्रॉस जैसा बन जाएगा। अब यहाँ पे हम सेंटर में ही नीचे ले जाएंगे। इसके बाद फिर वापस हम ये सेंटर के पास ही निकालेंगे। अब इस साइड से बनाएंगे ये एक घर छोड़ करके यहाँ से। इस सुई को अगर इस डायरेक्शन से अगर ले गए तो यहाँ पर भी हम इसी डायरेक्शन से ले जाएंगे, तो इधर से ही इधर ले जाएंगे, तो इस तरह से यहाँ पे क्रॉस जैसा हो जाएगा। यहाँ पे नीचे दो घर लेंगे, यहाँ पे क्रॉस हो गया इस तरीके से, तीन लाइन बना लेंगे।
उसके बाद लास्ट जब करेंगे तो यहाँ पे सेंटर में ही इस तरह से नीचे ले जाएंगे। ये इस तरह से बन गया। इसी तरीके से हम सभी में बीच में भर लेंगे। इस तरह से ये छोटा सा हम सैंपल आपको बनाकर बताए हैं, आप इसी तरीके से पूरा फूल आसन में बनाइए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।